याद आती है हुण ज्योति, तीन महीने गुजर गए ने? ज्योति तो बड़ी याद आती है, बड़ी कोई बड़ी कोशिश की भी चल ज्योति बच जाए, किसी सारे भरा ने मदद भी की सी, तुसी बड़ी कोशिश की है पर नहीं बचा पाए। ये ज्योति का मुंडा पुत, मम्मी की किन्नी क याद आती है? बहुत याद आती है। की देखता की है? मम्मी का। मम्मी नु देखता की सोचता? की सोचता की है? कि मम्मी पापा सारे। जो लेडीज आई सी मनीषा गुलाटी चेयरपर्सन, उस तो बाद कोई फोन नहीं आया? ना उन्होंने बाद कोई फोन नहीं उन्होंने, बस सिर्फ पब्लिसिटी लेनी सी, पब्लिसिटी बस ही आ गए, समझ लो भाई उसके बाद नहीं आए। इस चीज़ तो मैं अज भी गुजर रहा, लोग मैं कई बार कहते तेरे को पैसा बहुत, मैं कहना कितने हो पैसा, मैं सबूत मांगता मेरी मेरी भैन चली गई, लोगों को उस चीज़ का कोई दुख नहीं है। टीचर तो बहुत कीतियाँ, लेकिन देखो अज परिवार फिर उस हालत चो है, चलो उन्होंने डैडी काम कर रहे, मजदूरी कर रहे, आप थोड़ी होर बच्चे लिए पढ़ाई दी कर रहे हैं, जिदा साढ़े को होगा छोटा मोटा, कि असी भी गरीब परिवार दे ही हैं। जिस जगह पर इस समय मेरा कैमरामैन हनी बैठा है, उस जगह पर ज्योति की एक मंजी पई होंगी, जिसे ज्योति बेचारी बैठ के सोचती सी कि मैं जल्द ठीक होव, लेकिन आखिर की दिल च की तमन्ना की सगियाँ वो तमन्ना सी कभी मैं उन्हें मैंने मतलब मेरा घर ने मैंने बड़ा धोखा दिता है, मैंने मारिया कुटिया बथेरा, कहना उन्हें भी सज़ा मिलनी चाहिए, हाले तक तो कोई तीन महीने हो चले, हाले तक कोई सुनवाई नहीं हैगी, वो इदा ही घूमता पे है। उस भैन ने मैंने कहा कि मैं तुम्हें अपने हाथों में चाह पिलानी तो रोटी खवानी है, वो चीज़ भी मैंने कितना कितने अंदर झंझोरती सी कि उस भैन में मैं बचाने के विच कोई कमी करती या कि मेरे को देर होगी उस परिवार ना मिलने वक्त? नहीं विशाल जी, थोड़े कोई देर नहीं हुई, तुम तो उस वेले मदद की, शायद ही कोई न्यूज़ वाला करता ही नहीं है। तमाम मीडिया हाउस भी आए थे, कई मीडिया पर्सन भी आए थे, लेकिन उन्होंने खबर भी चलाई थी, लेकिन उस तो बाद कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया साढ़े बाद, कोई नहीं आया। तुसी लुधियाना लाइव देख रहे हो तो मैं हाँ विशाल कपूर। अज तो तीन महीने पहले की गल की जाऊगी कि ज्योति की एक स्टोरी लगाई सी, जिस कुड़ी नूं झांजरा पाउण दा बहुत शौक सीगा, जिसने अपने हत्थां दे नाल रोटी खवाउण दा भी वादा किया सीगा, जो परमात्मा दे चरणां चली गई सीगी, लेकिन उस समय तमाम मीडिया हाउस जिहड़े ने ज्योति दे परिवार दे कोल मिले, तो कई तमाम ऐसे लीडर भी ज्योति दे परिवार नूं मिलण वास्ते आ रहे सीगे, सहानुभूति दिंदे सीगे, लेकिन इत्थे शुकराना कीता जाऊगा वह तमाम NGO दा जिन्हां ने ज्योति दे परिवार की बखूबी मदद की सीगी, तो उन्होंने हर समान तो हर चीज़ जिहड़ी है मौजूद करवाई सीगी। लेकिन अज ज्योति दे घर दे विच आण दा मकसद आई है कि ज्योति जो तीन महीने पहले जो काफ़ी बीमार सीगी ते उसनू हस्पताल दे विच दाखिल करवाया गया सीगा, ते उस तो बाद जिहड़ी है हस्पताल जाण तो एक दिन बाद ही जिहड़ी है उसकी मौत हो गई सीगी, लेकिन उसकी मौत सुनने तो बाद जिन्ने क लोग सीगे जो ज्योति की आत्मा की शांति लिए प्रार्थना भी करते नज़र आ रहे सीगे, लेकिन अज नू ज्योति दे परिवार दे विच मौजूद हाँ, उसके जिहड़ा उसका लड़का सीगा उसके नाल भी गलबात करांगे, ते उसके फादर सीगे उन्होंने भी गलबात करांगे, हुण उस घर के हालात भी दिखावांगे जिस घर दे विच उह किराए ते रहिंदे सीगे, लेकिन अज नू जिहड़े ने उसके परिवार वालों दोबारा रोज़गार शुरू कर दिता गया वै, वह जुत्तियां बनाते सीगे ते जुत्तियां बनाने का काम जिहड़ा शुरू कर दिता गया, लेकिन उसके इस बच्चा जो ज्योति का बच्चा सीगा जो ज्योति की एक लास्ट वीडियो च जो कह रहा सीगा कि हाँ मम्मा जल्द ठीक हो जाए, वह बच्चा इत्थे बैठा होया, तो ज्योति के फादर जो समय कह रहे थे कि मेरी धी नूं बचा लिता जाए, अज जो परिवार के हालात ने तुम वो परिवार के अंदर आए हैं, उस कमरे के अंदर आए हैं जिते इस जगह के उत्ते ज्योति का वो मंजा पिया हुंदा सीगा, अज जिथे पूरी तरह खाली पिया, तो एक कुर्सी तो एक सिलेंडर है, तो इत्थे ज्योति जिहड़ी है बह के ठीक होण दी उस प्रभु तो दुआवां मंग रही सी कि मैं जल्द ठीक होवां, तो झांजरा पा के नसां दूणां भज्जां, लेकिन उसके पिता साढ़े नाल मौजूद है, गलबात भी करांगे। याद आती है हुण ज्योति, तीन महीने गुजर गए ने? ज्योति तो बड़ी याद आती है, बड़ी कोई बड़ी कोशिश की भी चल ज्योति बच जाए, किसी सारे भरा ने मदद भी की सी पर फिर भी नहीं बचा पाए, उन्होंने बड़ी कोशिश की, तुसी बड़ी कोशिश की है पर नहीं बचा पाए उन्होंने। लेकिन उस समय जो ज्योति इस जिस जगह पर इस समय मेरा कैमरामैन हनी बैठा है, उस जगह पर ज्योति की एक मंजी पई होंगी, जिसे ज्योति बेचारी बैठ के सोचती सी कि मैं जल्द ठीक होव, लेकिन आखिर की दिल च की तमन्ना की सगियाँ वो तमन्ना सी कभी मैं उन्हें मैंने मतलब मेरे घर ने मैंने बड़ा धोखा दिता है, मैंने मारिया कुटिया बथेरा, कहना उन्हें भी सज़ा मिलनी चाहिए, हाले तक तो कोई तीन महीने हो चले, हाले तक कोई सुनवाई नहीं हैगी, वो इदा ही घूमता पे है।
नहीं उस समय तो आश्वासन दिते गए कि सजा जी दी जाऊगी आरोपी कुछ भी नहीं था कहना मेरा पुलिस कुछ नहीं कर सकती अजय भी कहता पुलिस मेरा कुछ नहीं करती सरेआम घूमता पे इधर भी गड़े गुड़े मारद असं उन्होंने कुछ कह नहीं सकते वो कहता कि जो करना कर लो मैं पुलिस से मेरा कुछ भी नहीं कर सकती लेकिन तो तमाम मीडिया हाउस भी आए थे कई मीडिया पर्सन भी आए थे लेकिन उन्होंने खबर भी चलाई थी लेकिन उस तो बाद कोई भी नहीं आया कोई भी नहीं आया साढ़े को बाद कोई नहीं आया सिर्फ बस दिखाने वास्ते आए कि बस ज्योति है ज्योति जो चलेगी उस तो बाद परिवार का हाल नहीं पूछा ना कोई नहीं कोई भी नहीं आया साढ़े पास उसके बाद कोई नहीं आया बस ज्योति पूरी होने के बाद कोई भी नहीं आया कोई सामने ये नहीं पूछना है भी मुंडे ने सजा हुई है कि नहीं हुई है किसी ने नहीं हुई है हाल तक किसी ने कुछ नहीं किया मुंडा इधर बाहर घूमता है वो देखा जेठ जेठ का धमकियाँ मारता रहता है किशोर कहता की किया मीडिया चाहना आया तुम्हारा की होया कुछ पुलिस मेरा कुछ भी नहीं कर सकती लेकिन उस समय पुलिस ने कुछ कानूनी कार्रवाई तो की शुरू बयान लिखाई थी हाँ वो कहते चार पाँच महीने लग जाने कहते पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने अच्छा उसके बाद देखा लेकिन अज तीन महीने हो चुके हैं हाँ तीन महीने हो चुके हैं और हाले भी इदा ही घूमता पे है हम कहता की तुम जो घूमता कहना मेरा तो तू मैंने मीडिया चाहे कि किया मेरा का कुछ भी नहीं हुआ मेरा था हाले भी तो मैं आजाद घूमता पाया लेकिन उस अधिकारी को गए पुलिस अधिकारियों को दोबारा तुम गए थे हाँ दोबारा गए थे वो कहते पोस्टमार्टम रिपोर्ट आओगी देखा दोबारा फिर का पटरी तो किदा आए तुम दोबारा शुरू मतलब उस आगे बस थोड़ा बड़ा औखा कम तो करना पैदा ही है कम नहीं करा तो खावे कि तो फिर थोड़ा बहुत किसी को फड़फड़ फड़ के कम करते पे गए आमदन की हो रही है हम आमदन तो बस उन्हें कुछ भी नहीं है कम ही नहीं होता कुड़ी की आदत मतलब कम बिल्कुल सारे सारे जगह जगह देख देख के बस नहीं होता इस कमरे च बैठे रहते हो तुम कि बस याद याद से बैठे रहते आपस यही गल कहते मुंडा रात अंदर उठ के देखता अस भी देखते भी इतने ज्योति पई रही थी कदम ठीक होने की ख्वाहिश रखी थी उन्हें नहीं असं बचा पाए तमाम लोगों ने सहयोग किया लेकिन उस उन्होंने बहुत बहुत शुक्रिया करता अपने उन्होंने मेहनत भी बेकार गई सू बचा नहीं सके उन्होंने बहुत मदद की मैं सारे शुक्रिया अदा करता भी जिन्हें मेरे भरा ने मैंने मदद भेजी हैगी है तो डॉक्टर शुक्रगुजार करता भी तुम मेरे मतलब मदद की है लेकिन आप उस भी नहीं बचा पाए अपना जो लेडीज आई थी मनीषा गुलाटी चेयरपर्सन उस तो बाद कोई फोन नहीं आया ना उन्होंने बाद कोई फोन नहीं उन्होंने बस सिर्फ पब्लिसिटी लेनी सी पब्लिसिटी बस ये आ गए समझ लो भाई उसके बाद नहीं आए नज़र ही नहीं आए ना उन्होंने ना उन्होंने कोई फोन ना कुछ भी नहीं आया और तो कहते अभी मीडिया से भी मैं इन्होंने टच रहेंगे लेकिन सानू कोई खबर नहीं उन्होंने की कितने है कि कितने नहीं है सानू किसी ने कुछ नहीं पूछा जो चेयरपर्सन नहीं कुछ नहीं पूछा किसी ने हाले तक कुछ ने कुछ भी नहीं किया कभी आप यदि कोई मदद करिए कुछ और करिए किसी ने कुछ नहीं किया बस लेकिन ज्योति का बेटा मैं कहूँगा इधर आऊँगे पुत मम्मी की किन्नी क याद आती है बहुत याद आती है की देखता की है मम्मी का मम्मी नु देखता की सोचता की सोचता की है कि मम्मी वापस आ जाए मम्मी वापस आ जाए मम्मी कितने गए ने वैसे पता तेनों हैं उन्होंने मामा जी भी पहुंच चुके हुए ने उन्होंने भी गलबात करते हैं आऊंगे इस जगह ती ज्योति जो आस करती सी तीन महीने हो गए ने किन्ना ने तुहाडे नाल सहानुभूति जताई है तीन महीने बाद भी तीन महीने बाद तो कोई बंदा आया ही नहीं उस तो बाद इस घर की हालत किसी ने पूछी भी नहीं लेकिन उस समय सानू बहुत मैं उन्होंने थैंक्स कहूँगा समाज सेवियों का थैंक्स कहूँगा जिन्होंने हिस्सा लिता लेकिन वो राजनीति कितने चले गए राजनेता जिहड़े बने हुए थे कितने आते मीडिया के अगे बहुत दावे करते आए नहीं आए सर नहीं आए कोई भी राजनेता उस तो बाद कोई आया नहीं तो अपने राजू जी वो तो जुड़े हुए अपने ना बाबा जी आरोप तो बथेरे लग रहे थे उत्ते भी कि याद ही होनी तुम्हें गल्ला कि तुम मैं फोन भी करते लेकिन मैं उस समय कहना नहीं चाहता किसी भी आरोप फिर कि फिर लोग जिन्हें फोन आते कि कह के कहते टीचर की मारते लोग कहते पता नहीं इन्हों इन्ना रुपया आया वो आया मैं लोगों को समझाया भी जोड़ा आया उन्होंने स्टेटमेंट देखो इन्हें की आया गरीब बेचारे उदा ही परेशान है इसी परिवार तो ही मैं कहा तुम इन्हों स्टेटमेंट देखो आरोप तो लाने दुनिया बहुत कुछ है बिल्कुल लेकिन सामने आने लिये हिम्मत चाहिए है बिल्कुल है तो चलो लुधियाना लाइव वाले फिर उन्होंने धन्यवाद जो फिर इस परिवार की कवरेज लैन आए उन्होंने बहुत थैंक्स करदा विशाल कपूर जी का कि इस कवरेज में फिर लैन आए कि चलो इस घर का उन्होंने तीन महीने बाद फिर एक कवरेज की है उन्होंने धन्यवाद है लेकिन मैं सोच के ये आया वहाँ
कि वह 3 महीने मैं देखना चाहता सगा कि 3 महीने ताड़ी कोई सूद लेंदा कि नहीं लेंदा कि मैं 1 महीना टप्पया जो ना मेरा तो मैं देखा कुछ भी नहीं आया 2 महीने टप्पे कुछ नहीं आया आखिर मेरे शरीर ने अंदर ही कहा कि मेरे कुछ तमाम NGO वाले से उन्होंने मैंने कहा कि ज्योति के घर का हाल चाल देख के आवो उन्होंने कहने उन्होंने सलाह करके फिर मैं आया मैं क्या हूँ जाके आना आखिर कि मदद जी है आई सी हूँ कि मदद करने वास्ते लोग आए हैं टीचर तो बहुत लोगों ने करती नहीं टीचर तो बहुत की लेकिन देखो अज परिवार फिर उस हालत चो है चलो उन्होंने डैडी काम कर रहे मजदूरी कर रहे भैन साड़ी उदा ही बीमार जी रही है उस तो बाद कोई इन्हों की मदद नहीं आई आप थोड़ी होर बच्चे लिए पढ़ाई दी कर रहे हैं जिदा साढ़े को होगा छोटा मोटा कि असी भी गरीब परिवार दे ही हाँ ये ज्योति का भरा वै मैं भीर कहूँगा भीर किन्नी के यारां दी भैन दी अज भी बहुत हुणे तुसीं गल कीती मेरे अखां अथरू सीगे लेकिन खैर जिवें कि लोकी तुसी जिवें हुण गल कीती मेरे मामा जी नाल कि लोकी बहुत इंजाम लाउंदे बाहर निकलदे लोकी कहिंदे कि साडे कोल पैसा बहुत आया मैं ए पुछना चाहुंदा ए तुसी मेरे नाल गल्लां कीतियां सी विशाल जी बहुत लोक इल्जाम लगा रहे ने असी अपना स्पष्टीकरण देना चाहुंदे आ इन्ना को परेशान हो गए से ना कि असी हुण मैं बयान नहीं कर सकता कि मैं किन्ना को परेशान हाँ इस चीज़ तो मैं अज भी गुजर रहा लोग मैं कई बार कहते तेरे को पैसा बहुत मैं कहना कितने हो पैसा जे साढ़े को पैसा आया तो आया तो आया कितने आओ मैं सबूत मांगता मेरी मेरी भैन चली गई लोगों उस चीज़ का कोई दुख नहीं है कोई दुख नहीं साड़ी तो मरी से दुख सानू ही होना लेकिन एक गल कहना चाहता वो लोगों ने जिन्होंने मदद की वो तो ज्योति ने अज भी रखते उन्होंने मैं नहीं कह लेकिन साढ़े ही समाज के लोग अज भी पूछते हैं इन्होंने को तो करोड़ों रुपया आ गया वो करोड़ों रुपया है कितने ए परिवार करोड़ों हो तो ऐसा हालात चो उस मकान च किराए ना रह जिदा किराया भी कुछ लोगों ने दिता लोगों ने दिता अपने देवी जी ने दिता से उस वेले उन्होंने भी आप धन्यवाद करते हैं मैं देवी जी ने मेरी गल हुई थी एक बार इंटरव्यू आया थी मैं कहा देवी जी तुम उस परिवार चो गए अज तक कोई MLA शायद कोई नेता अज तक नहीं गया लेकिन मैं उन्होंने यही धन्यवाद करना उन्होंने अज भी साढ़े नाल है देवी जी गल हों मेरी लेकिन उस टाइम 3 महीने गुजर गए लेकिन कोई भी उस तो बाद इस परिवार की कोई दुख सुख देख ही नहीं आया अब तुम आए हो लाइव इंडिया लुधियाना वाले न्यू लुधियाना लाइव वाले आए हो तो विशाल जी का धन्यवाद कि तुम दिमाग चे है ना क्या परिवार किस हाल च लेकिन मेरे दिमाग इस करके उस भैन ने मैंने कहा कि मैं तुम्हें अपने हाथों में चाह पिलानी तो रोटी खवानी है वो चीज़ भी मैंने कितने ना कि अंदर झंझोड़ती सी कि उस भैन में मैं बचाने दे विच कोई कमी करती या कि मेरे को देर होगी उस परिवार ना मिलने वक्त नहीं विशाल जी थोड़े कोई देर नहीं हुई तुम तो उस वेले मदद की शायद ही कोई न्यूज़ वाला करता ही नहीं है उन्होंने अपना देखिए विशाल जी ने वो फर्ज निभाया कि 3 महीने बाद उस परिवार को देखने आए मैं विशाल जी का बहुत धन्यवाद करदा कि इन्हों घट्टो घट दुख तो है नहीं चीज़ का कि ज्योति का परिवार इस किस हाल चो रह रहा अचानक कि तुम आए हो कि देख के आवा की हाल चो रह रहा अज यह परिवार उदा ही है बच्चे की कोई एडमिशन विशन नहीं हो रही है मैं तो यही कहना जिड़े भी अगर अगे भी कोई खड़े होन इस परिवार की हो सकता तो मदद कर दो नहीं तो जिदा जिंदगी चलती है बच्चे का भविष्य बन जाए कि पढ़ाई लिखाई हो जाए यदि बस मैं इस ज्योति दे मुंडे नाल ही गल करूँ पुत पढ़न का मन करता है स्कूल जाने का मन करता है मम्मी के खाब पूरे करने का मन करता है ये ज्योति का मुंडा असी सारे जानते हाँ इसका पढ़न का भी मन करता असी उस वेले बहुत मदद की सी तो असी बहुत जिनी साढ़े को मदद होंगी सी असी की तमाम NGO ने मदद की सी लेकिन वह राजनीतिक लोग जोड़े नज़र नहीं आए उस तो बाद जो उन्होंने व्डे व्डे दावे करते आश्वासन देने से मैं आया जरूर उन्होंने घर कि मैं देखने से आया जो इन्हों का ब्रदर मैं फोन करता सी इन्हे मामा जी मैं फोन करते कि लोग इल्जाम लगा रहे हैं लेकिन उदो मीडिया हाउस बहुत आए थे कि ज्योति जो बीमार सी ज्योति हस्पताल लैके जाना सीगा तो ज्योति कई जिदा गल की जाए मनीषा गुलाटी जो पहुंचे तो उत्तर मीडिया हाउस बहुत आ गए थे लेकिन उस वेले ही आए थे मीडिया हाउस लेकिन अज इस परिवार की जिंदगी किदा जीती जी रहे हैं लोग वो दिखाने वास्ते कोई भी नहीं आया 3 महीने हो गए ने मैं थैंक्स कहूँगा जो जिन्होंने वीडियो शेयर की जिन्होंने मदद की रब रूपी इंसान ने मेरे वास्ते वो तो इस बच्चे लिए भी कुछ ना कुछ जरूर करांगे ये साढ़े दे उत्ते ही है क्योंकि उसू तो असं बचा नहीं पाए वो झांझरा पवा की खबारिश पूरी नहीं कर पाए ना वो हथा रोटी खाने की खबारिश पूरी कर पाए हूँ देखते हैं अच्छे बच्चे की भविख बधा के देवे जो भी किसी ने आना हो घर आ सदा तो ये बच्चे एडमिशन करा के जा सकता है लुधियाना तो हनी के नाल मैं विशाल कपूर लुधियाना लाइव।